गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम शुरू कर चुके हैं हमारा डे टू। सबसे पहले हम जाएंगे माफलोंग सेक्रेट फॉरेस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्रेट फॉरेस्ट। काफ़ी खुला खुला मौसम है और ये एक गाइडेड टूर है जहाँ पे हमें एक गाइड मिलेगा और वो हमें बताएगा कि इसे सेक्रेट फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ का मानना है कि ये बहुत ही पवित्र जंगल है और यहाँ से कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाना चाहिए या फिर अंदर नहीं डालना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गाइड के पास जो कि जल्दी ही अपना गाइड टूर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम सेक्रेट फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं और हमारे गाइड ने हमें एक ऐसा प्लांट बताया है जो कि पॉइजनस है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ये है वो स्नेक के सर के जैसा है। तो आपको ये बहुत सारे प्लांट्स जंगल में मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ग्रीन और अच्छा फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको हर जगह हरियाली मिल जाएगी और यहाँ पे अगर कोई भी पेड़ गिर जाता है या मर जाता है तो उसे काट के बाहर नहीं फेंका जाता है। और ये है रुद्राक्ष का फल। नेचुरल वुड बी परफेक्ट बट मोस्टली दोस लेस मुखी फ्रॉम थ्री मुखी अबव विल बी लाइक ओवल इन शेप। द वन मुखी यू वोंट गेट दिस टाइप ऑफ ओवल बी लाइक हाफ मून। As you can see, this leaf over here, this one over here, and the one on top of there. But remember this one, okay? This small leaf. The one like a touch me up, and those are the leaf of this tree. So this is the tree, is the one treatment from the breast cancer. And the common name is yew trees, but in the scientific name is Taxus baccata. So from the leaf of this tree, they'll extract the oil. And then that oil, they'll mix some chemicals and produce the medicines as one of the treatment for the breast cancer. Especially like here also, we don't have this thing to be extracted. But especially from Calcutta and from the Himalayan place over there, those are a place where they extract the oil out from the trees because they need a lab to extract the oil out from the trees. And that pure oil, the one without mix any chemicals and all, is very costly. And the name of that oil is tax oil. As we read, for 1 liter of that oil, it costs for around 1 crore, 80 lakhs for 1 liter. It's around 2 crores for 1 liter. यहाँ पे आपको एक गाइड मिलेगा जो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि ये किसके लिए है, यहाँ पे क्या किया जाता था और यहाँ पे प्लांट्स का क्या यूज़ है। तो आप जब भी यहाँ पे शिलोंग आएंगे प्लीज़ ये सेक्रेट फॉरेस्ट विजिट कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है और अभी हम यहाँ पे ट्रैकिंग करके आए हैं। बहुत ही हमें बहुत ही चीज़ें जानने के लिए मिली है इस फॉरेस्ट के बारे में और यहाँ के ट्राइबल और कल्चर के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं एलिफेंट फॉल। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ फर्स्ट फॉल। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आसपास की दुकानों में क्या मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बैम्बू के बने हुए चीज़ें मिल रहे हैं जैसे कि टॉयज, हैंडबैग्स और कई चीज़ें। यहाँ पे वुडन के भी बहुत चीज़ें हैं। तो आप इन्हें ले जा सकते हैं और अपने दोस्तों को दे सकते हैं। देखो मुझे वापस से क्या मिला, काफल। आपने मेरे उत्तराखंड का ट्रिप कभी तो
देखा ही होगा जिसमें हमने रानी खेत में ही आपको खाते भी दिखाया था। अभी वापस से हम यहाँ पे शिलांग पीक में से खा रहे हैं जो कि बहुत ही ऊंचाई में है। अभी हम शिलांग के सबसे ऊंचे जगह में हैं जिसका नाम शिलांग पीक है। हम यहाँ पे व्यू पॉइंट में आए हैं, देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, इट्स ऑसम। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टी है, हल्के खट्टे मीठे दोनों है। वेरी टेस्टी। तो अगर आपको शिलांग पीक आना है तो आपको एक चेक पोस्ट से दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। तो ये है मेघालय का ट्रेडिशनल ड्रेस। इस ड्रेस को पहन के मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। मैंने बहुत सारे फोटोज लिए हैं तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है पहनने में। अब आप भी जब शिलांग पीक में आएंगे तो ये ड्रेस ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मैंडियन कैनियन जो कि एलिफेंट फॉल्स से 13-14 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अलग अलग व्यूज। एक रोपवे है जिसमें कि सामान बांध के नीचे गांव में पहुंचाया जा रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको एक नीचे छोटा सा गांव भी दिखेगा। ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ से आपको जाने का तो मन ही नहीं करेगा।